आज हम भिंडी की सब्जी बनाएंगे, तो चलिए भिंडी की सब्जी बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम भिंडी लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 kg भिंडी लिया है। भिंडी को अच्छे से वॉश कर लेंगे। ध्यान रहे भिंडी में पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। भिंडी के आगे पीछे पार्ट को कट करके हटा देंगे। भिंडी मीडियम साइज का ही काटेंगे। ध्यान रहे ज्यादा मोटा या ज्यादा पतला नहीं काटेंगे। सभी भिंडी को इसी तरीके से काट लें। 3 मीडियम साइज की प्याज लेनी है। प्याज को बारीक काट लेंगे। साथ ही 3 लाल मिर्च और 3 हरी मिर्च लेंगे। मिर्च को भी काट लेंगे। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे। कुछ देर बाद कटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। प्याज को अच्छे से लाल होने तक भूनेंगे। प्याज का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है। अब हम इसमें भिंडी की सब्जी डालेंगे। सभी भिंडी को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। 5 मिनट बाद कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च डालने के बाद फिर से मिक्स करेंगे। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 8 से 10 मिनट तक ढककर पकाएंगे। सब्जी को अच्छी तरीके से भूनेंगे। ध्यान रहे सब्जी को ज़्यादा चलाना नहीं है। अब खोलकर ही 5 मिनट तक पकाएंगे। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसी तरीके से 8-10 मिनट अच्छे से भूनेंगे। अब हम सब्जी देख लेते हैं हमारी सब्जी गल चुकी है या नहीं। भिंडी अच्छे से गल चुकी है। अब हमारी भिंडी की सब्जी बनकर तैयार है। अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हो। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोग भिंडी की सब्ज़ी अच्छे से बना लेंगे। इसी तरीके से सीखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।